बेसिक शिक्षा विभाग में इन दिनों फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है। फर्जी अंक पत्र दस्तावेज तैयार कर शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत शुक्रवार को यूपीएसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शिक्षकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लगभग 25 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई की जा चुकी है और अभी भी लगभग 2 दर्जन शिक्षकों की जाँच चल रही है। फर्जी दस्तावेजों की पुष्टि होते ही इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग को नोटिस भेजी जा चुकी है कि बिना मान्यता के स्कूल का संचालन कतई ना करें। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि अगर कोई स्कूल बिना मान्यता के चलते पाया गया तो 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और स्कूल को सील भी कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए बीएसए बी एन सिंह ने कहा, आपका दुकान नंबर कितना है सर? बेसिक शिक्षा विभाग में विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों की बात आ रही है सामने। कल भी 2 शिक्षक एसटीएफ वाले ने गिरफ्तार किया है और काफ़ी उनके पास फर्जी दस्तावेज अंक पत्र है और इस तरह सामग्री प्राप्त है। तो क्या कार्रवाई विभाग कल जो कार्रवाई हुई है उसमें एक सिद्धार्थनगर के एक गोरखपुर के हैं जिनका मेरे द्वारा पहले से ही वेतन अवरुद्ध किया गया है और उसके पहले लगभग 25 अध्यापकों की सेवा समाप्त भी की जा चुकी है और लगभग इतने ही हम कार्य में हैं, आगे उनकी सेवा समाप्ति कर रहे हैं क्योंकि नोटिस कुछ फॉर्मेलिटियाँ होती है उसको पूरा करने के बाद हम उनकी सेवा समाप्त कर उनकी जांच की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं और उम्मीद है कि 1-8 सप्ताह में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हाँ, चिन्हित किए गए हैं जिनके मार्कशीट अंक पत्रों का उनके पैन कार्ड का सत्यापन मेरे द्वारा कराया जा रहा है, उनको नोटिस दी के उनका वेतन अवरुद्ध कर दिया गया है। एसटीएफ को इस तरह कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब चूंकि बहुत बड़ा एक गैंग होता है और हमको जो सूचना मिलती है हर जनपद, चूंकि मंडल स्तर प्रदेश स्तर पे है तो जनपद स्तर की बात मैं कर सकता हूँ। जुलाई का महीना काफ़ी विद्यालय भी चल रहे हैं और स्कूल चलो अभियान में सफल रहा, हमारे विद्यालय भी इस तरह के चल रहे हैं, इसके क्या? हाँ, हमारे विद्यालय चले उनके खिलाफ़ मेरे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और लगभग मेरा उद्देश्य और शासन की मंशा है, प्रशासन का पूरा सहयोग है कि सारे अमान विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे और बंद हो भी जाएंगे। इसके लिए डीएम साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई है और उसके द्वारा कार्य संचालन हो रहा है। क्या पकड़े जाने पे जुर्माना भी है? 1,00,000 जुर्माना है। पहले उनको नोटिस हम देते हैं 1, 2, 3, उसके बाद भी नहीं बंद करते हैं तो 1,00,000 रुपये का जुर्माना है और उसके बाद भी चलाते हैं तो 10,000 रुपये के हिसाब से जुर्माना है। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय सील करके FIR भी किया जाएगा। तो बच्चों का समायोजन भी किया बगल के प्राथमिक विद्यालयों में या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाता है और पिछले वर्ष में भी किया गया, इस साल भी कराया जा रहा है कि जो उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे वो हमारे यहाँ पढ़े, हमारे प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय शासन जो उनको सुविधाएं दे रही है वो सारी सुविधाएं उनको हम दे भी रहे हैं। जैसे आज की तारीख में हमारे यहाँ ड्रेस, जूता, मोजा, बैग, पाठ्य पुस्तक 100% वितरित हो चुकी है।